नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ये जो डिलोस की तरफ से आने वाला HDS25490 जो फ्री टू एयर सेटअप बॉक्स है, जो कि MPEG 4 फॉर्मेट के अंदर आता है, के अंदर हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है और क्या है आखिर इस बॉक्स के अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरह की यहाँ पे पैकिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पे डिलोस की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो यहाँ पे बॉक्स के ऊपर जो फीचर्स देखने को मिल जाते हैं उसमें यहाँ पे ये इसका जो मॉडल नंबर है ये मेंशन किया हुआ है S25490 और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये MPEG 4 को सपोर्ट करता है। यहाँ पे रेजोल्यूशन, यहाँ पे फुल HD जो रेजोल्यूशन है 1080p वो यहाँ देखने को मिल जाता है। मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट है, जो कि हमें जैसे कि पता है कि MPEG 4 के अंदर दो चार जो चैनल हैं वो HD के अंदर मिलते हैं और थोड़े ज्यादा मतलब चैनल मिलते हैं नॉर्मल MPEG 2 की तुलना में। और यहाँ पे वाईफाई का हमें सपोर्ट मिल जाता है सेट टॉप बॉक्स में। तो जिन लोगों के पास ऐसे टीवी हैं जो कि पुराने हैं जिनमें वाईफाई नहीं है, तो वो अगर ये सेट टॉप बॉक्स लेते हैं तो वो भी अपने जो टीवी के अंदर है वाईफाई के मजे ले सकते हैं। यहाँ पे ये सी और KU दोनों बैंडों को सपोर्ट करता है और यहाँ पे जैसे 300 वोल्ट से ऊपर का वोल्टेज आता है तो ये ऑटो शट डाउन हो जाता है, तो इस तरह से इसका जो सर्किट है वो भी सेफ रहता है। DVS-II का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे जो एक स्ट्रीम प्लेयर है वो देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू आप USB के थ्रू अपनी जो फेवरेट कंटेंट है USB वो यहाँ पे स्ट्रीम कर सकते हैं टीवी के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे 32 PS के की मतलब यहाँ पे आपको एक पासवर्ड लगाने की सुविधा मिल जाती है। HDMI केबल के थ्रू आप यहाँ पे वीडियोस को देख पाते हैं तो अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। दो USB पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, फुल HD को ये सपोर्ट करता है। 4000+ चैनल है इसमें, आप स्टोर कर सकते हैं, लॉक लगाने की फैसिलिटी है और फुल HD है और PVR HD और DVS-II इनका सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो इसके फुल स्पेसिफिकेशन है कुछ इस तरह से यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये जो है इसमें 2 USB है जो कि दोनों के दोनों 2.0 को सपोर्ट करती है। इसकी MRP की बात करें तो यहाँ पे 1500 रुपए इसकी MRP दी हुई है और ये अगर आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए के अंदर ये आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसको बिना किसी तरीके से बॉक्स को ओपन करके देखते हैं कि आखिर बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले देखने को मिलता है हमें ये जो सेट टॉप बॉक्स है वो, तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है ये डिलोस की ब्रांडिंग है और साथ में यहाँ पे जो इसका ब्रांड जो इसका मॉडल नंबर है वो देखने को यहाँ मिल जाता है। बहुत ही छोटा सा है, मैं हाथ के अंदर आपको लेके दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ अपन को प्लस माइनस और चैनल अप डाउन के और ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच मिल जाते हैं। फ्रंट के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले दिया हुआ है और साथ में एक यहाँ पे USB पोर्ट दिया हुआ है फ्रंट के अंदर और नीचे यहाँ पे बहुत सारे वेंट्स दिए हुए हैं हवा पास करने के लिए। पीछे की साइड की बात करें तो यहाँ पे एक DC का इनपुट का सोर्स दिया हुआ है, एक HDMI का पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे अपना जो केबल का LNB का इन है वो आएगा और यहाँ पे RCA केबल के लिए 3 पोर्ट दिए हुए हैं। तो बहुत ही छोटा सा और हल्का। इसके अलावा बॉक्स के अंदर और हम बात करें तो बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे बिल्कुल यूनिवर्सल रिमोट जो आता है वो देखने को मिल जाता है और इस यूनिवर्सल रिमोट के अंदर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो एक टीवी कंट्रोल एरिया का एक अलग से दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप अपने जो टीवी के जो कुछ बेसिक फंक्शंस हैं वो आप इस रिमोट को सिखा सकते हैं। जैसे टीवी को ऑन ऑफ करने का बटन आप कर सकते हैं, जो सोर्स का बटन होता है वो वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम प्लस, और ये सेट जो बटन है ये जो इस एरिया को है सेट करने के लिए दिया हुआ है। इसके अलावा रिमोट की क्वालिटी ठीक ठाक है और यहाँ पे पीछे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आप किस तरह से जो अपना ये रिमोट है इसको अपने टीवी के रिमोट के साथ पेयर कर सकते हैं। इसके अंदर हमें देखने को मिल जाती है एक HDMI केबल देखने को मिल जाती है। क्वालिटी की बात करें तो इसको टेस्ट करने के बाद ही बता पाएंगे कि HDMI केबल वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, कैसी है। इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे अडेप्टर और अडेप्टर की रेटिंग की मैं अगर बात करूँ तो ये जो अडेप्टर है ये 12 वोल्ट 1 एम्पियर का अडेप्टर है। तो कुल मिला के इस बॉक्स के अंदर ये 4 चीजें देखने को मिल जाती है। तो ये सॉलिड की तरफ से आने वाला एक सेट ऑफ बॉक्स है जो की MPEG 4 को सपोर्ट करता है। तो टीवी के अंदर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है इसका, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो मैं मेन्यू बटन प्रेस करता हूँ तो ये कुछ इस टाइप से इसका जो मेन जो OSD मेन्यू है वो आ जाता है। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉलेशन, यहाँ पे सेटेलाइट की लिस्ट आ रही है, नीचे TP की लिस्ट आ रही है। तो ये TP वगैरह कैसे यहाँ पे मेंशन करते हैं ये मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, उसमें आप जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे टीवी चैनल्स की लिस्ट आ रही है, तो यहाँ पे आप एक साथ अपने चैनल्स की लिस्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे जो फेवरेट चैनल है वो यहाँ पे आप एड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे रेडियो चैनल की लिस्ट आ रही है और नीचे एक ऑप्शन आ रहा है डिलीट सेटेलाइट चैनल, तो आप सारे चैनलों को यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है फैक्ट्री रीसेट की,
लिए फैक्ट्री जो रिसेट है यहाँ पे ऑप्शन आता है, तो आप फैक्ट्री रिसेट के लिए फैक्ट्री रिसेट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो पासवर्ड है 4x00 यहाँ पे प्रेस करना रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक USB अपग्रेड का ऑप्शन भी आता है, तो इसमें के थ्रू आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपकी USB के अंदर इन फ्यूचर में आप मतलब सॉलिड या डिलोस की तरफ से कोई फ्रेमवेयर अपडेट आती है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप OSD के जो सिस्टम के जो ऑडियो वीडियो की सेटिंग है, यहाँ से आप जो इसका रेजोल्यूशन वगैरह है ये भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टाइम डेट वगैरह सेट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे मीडिया प्लेयर देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप यहाँ पे USB जो डिस्क है, इसके अलावा यहाँ पे USB सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आप उसका स्टोरेज वगैरह चेक कर सकते हैं और उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक वीडियो था जिसके अंदर मैंने बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है और किस टाइप की चीज़ें मतलब बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है ये देखने के लिए बनाया। तो इससे रिलेटेड और जो वीडियोस हैं कि इस रिमोट को कैसे पेयर करते हैं और सेटअप बॉक्स को कैसे सेट करते हैं, उन सब वीडियोस के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस में हुआ तो नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।